मेरी मम्मी से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और मैंने उनको ये बताया कि मैं म्यूज़िक में गिव अप करके अब मैं आना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम आ जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। पर सच ये है कि जब तुम गाना गाते हो, जब तुम्हारे हाथ में माइक होता है, तो मुझे तुम जिंदा नजर आते हो। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। कुछ माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि उनमें कुछ बोलने से ज्यादा बातें बिना बोले समझ आती हैं। जो कामयाबी तुम्हें पहले मिली है वो दोबारा यकीनन तुम्हें इसी मंच के द्वारा मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। और आज तुम्हारा वो परफॉर्मेंस होगा जहां दुनिया दहल जाएगी। आज वही गाना गाना जो तुम्हारी मम्मी चाहती है। एब्सोल्युटली 100%। अगर हमसे पूछ के गाना है तो ये गाना गाओ, इस प्यार को क्या नाम दूं। वाह, सो स्वीट, सो स्वीट। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, बेचैन आराम दूं। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, ओ बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, ओ ओ बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, ओ इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। तन्हाई बेताबी तेरी सौगाते हैं, मेरे इन होठों पे बस तेरी प्यार को मैं क्या नाम दूं।
you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तुमने वो जो एक कनेक्ट था इस गाने के साथ तुम्हारा जो लोगों के साथ एक रिश्ता जुड़ा था एक जमाने में वो रिश्ता दोबारा जोड़ दिया है आइडल के इस सीजन 13 में ये तो जब पहले विनीत आया था रियलिटी शो में और तब विनीत ने ये गाना गाया था और इसकी जो रेंडिशन है वो मेरे कानों में है मतलब ये गाना अगर मैं याद करती तो मुझे लगता है कि अरे तो विनीत ने कभी गाया था और वो इतना सुपर हिट हुआ था तो विनीत आज वो फिर से सुना आज जो है ना विनीत तुम्हारी सिंगिंग में एक तड़प थी आज एक पेन था विनीत मुझे फिर से वही दिन जीने हैं और वही दिन वापस लाने हैं और उनसे भी अच्छा करना है वो जो पेन था ना विनीत आई कुड फील दैट पेन मुझसे एज फेलो कंटेस्टेंट पूछोगे जब हम दोनों यू नो छोटे छोटे बच्चे थे एज कंटेस्टेंट्स तब भी अगर मुझसे पूछते तो भी मैं यही कहती विनीत को आगे जाना चाहिए आज भी मैं यही कहूँगी विनीत को आगे जाना चाहिए बाकी यू नो ये तो समय बताएगा बिकॉज बहुत सारे लोग हैं और हमें जस्टिस करनी है हर किसी के साथ राइट सो बट आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू ऑल द बेस्ट आंटी जी ऑल द बेस्ट देखो खफा ना हो किस
किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी के जमीन से भी कभी आसमां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां विनीत बहुत अच्छा गया है यार। थैंक यू सर। क्या बात है। थैंक यू सर। वाह वाह वाह। इसके गाने से एक बात याद आई, जब तीर कमान से छोड़ना होता है ना तो पहले आदमी निशाना लगाता है फिर खींचता है, तो उस वक्त वो पीछे ही जाता है, मगर जब वो तीर निकलता है और निशाने पे पहुंचता है ना तो यूं समझ ले कि अब हम दोनों को पीछे आना है ये, मगर निशाना एकदम परफेक्ट लगाना है। यस सर। अच्छा खामोशियों की गूंज सुनी तुमने विशाल? इस ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद जो गूंज थी इस परफॉर्मेंस की, वो मुझे लग रहा है कि एपिसोड के फिनाले हो जाएंगे, लेकिन विनीत और इस्माइल दरबार साहब और ये ग्रैंड म्यूजिशियंस का ये परफॉर्मेंस वो कभी भूले से भी नहीं भूलेगा। आउटस्टैंडिंग। हम दिल दे चुके सनम में जो म्यूजिक उन्होंने दिया है उसके आसपास किसी का जाना पॉसिबल ही नहीं है, वो सब मानते हैं, हर म्यूजिशियन, हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर सिंगर इस हिंदुस्तान का मानता है कि चाहे उन्होंने कम काम किया है लेकिन वो इतना लेजेंडरी काम किया है कि चाहे सदियों 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 बीत जाए वो नाम वो काम उनका हमेशा याद रहेगा, और तुम्हारी पूरी सक्सेस का श्रेय मैं इस्माइल भाई को देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू यार। गॉड ब्लेस यू। लेजेंड्स कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाते सर, वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं और आप हमेशा वहीं रहेंगे, और हम सबके दिल में आपने जगह बनाई हुई है सर, वो हमेशा रहेगी। विनीत, आज मैंने वो फील किया विनीत कि आज तुम अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे थे, आज तुम अपने घर में थे। थैंक यू विनीत इज बैक। ये 2022 का विनीत सिंह है, यहाँ से सिर्फ आगे ही जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, वाह वाह। विनीत सिंह, तुमने मौसम बदल दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.